सो फ्रेंड, आपने ऐसे देखा कि डॉग के आई में अगर बहुत ज्यादा कीचड़ आ रहा है, आपके डॉग के आईज में बहुत ज्यादा स्वेलिंग है, रेडनेस बहुत ज्यादा है, इचिंग बहुत ज्यादा है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो अभी जो सीजन चल रहा है ये आई फ्लू का सीजन चल रहा है, इसे हम आई कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको 5 इफेक्टिव ऐसे मेडिसिन बताने वाले हैं जो घर में आपको यूज करवा सकते हैं। और होम रेमेडीज यूज करने के बाद आपके डॉग की आई की जो भी इन्फेक्शन है बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छी तरह ठीक हो जाएगी। ये सारी मेडिसिन हम ह्यूमंस में भी बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं और उसमें इन्फेक्शन कम करने के लिए बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हेल्प करेगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स बने हमारे साथ लास्ट तक। चैनल को नए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए हमारे नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। चलो फिर शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, डॉग्स के आई में बहुत बार इन्फेक्शन लग जाता है। छोटी मोटी अगर आपके डॉग में इन्फेक्शन हो चुका है तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। हम अभी जो आपको फर्स्ट एड और रेमेडीज जो बताने वाले, होम रेमेडीज जो बताने वाले, ये बहुत ही कारगर तरीके से काम करती है। ठीक है, तो चलो फ्रेंड शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, आपको जब भी आई में इन्फेक्शन लग जाता है तो स्वेलिंग बहुत ज्यादा होती है, तो अभी जो चीज बताने वाले ये काफी क्लासिकल होती है। तो आपको हल्का सा कपड़ा लेना है, जो हमको यहाँ पर क्लीन कपड़ा होना चाहिए बहुत अच्छी तरह से। तो हम यहाँ पर वार्म वाटर में उसको डीप करना है, उसमें से फिर एक्सेस जो भी पानी है वो निचोड़ लेना है। ठीक है, और आपके डॉग के आइस के ऊपर यहाँ पर आप इजीली रख सकते हो। तो आपको इस तरह से जो भी कॉटन का जो भी कपड़ा है, ठीक है, इसको हल्के से पानी में डीप करके इसको अच्छे से निचोड़ लीजिए, और डॉग की जो आइस होती है, आइस भी इस तरह से आपको रखना है। तो ये जो हल्का सा गर्म वाला जो भी कपड़ा है आप डॉग के आइस के ऊपर जो भी रख रहे हो, ये 5-10 मिनट्स आपको यहाँ पर रखना है, और उसके बाद इसको रिपीट 3-4 टाइम्स कीजिए, दिन में 4 बार कीजिए। तो आप यहाँ पर आराम से देखेंगे आपके डॉग्स के आइज में एक से जो वाटर आ रहा है यहाँ पर कम हो जाएगा, और जो भी स्वेलिंग जो होती है सिग्निफिकेंटली यहाँ पर आराम से रिलीज हो जाती है। दूसरी चीज जो हर्बल में आती है वो आती है कैमोमाइल टी, यानी ये हर्बल टी है। तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी है एंटी इंफ्लेमेटरी की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और ये काफी आई में इन्फेक्शन में वंडर की तरह काम करती है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको हल्का सा एक कप गुनगुना पानी लेना है, उसमें ये जो कैमोमाइल टी की बैग है यहाँ पर डीप करवानी है, और वो बाहर निकाल के हल्का सा गर्म आपके डॉग के आइस के ऊपर यहाँ पर रखना है। ठीक है, तो ये 5-10 मिनट आपको रखना है, और दिन में 3-4 बार आप यूज कीजिए। तो इसमें आपके डॉग की आई की जो रेडनेस है सिग्निफिकेंटली बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर स्वेल हो जाती है, और आंख में जो कीचड़ आता है वो कीचड़ आना भी यहाँ पर बंद हो जाता है। ठीक है, उसके बाद तीसरी जो चीज होती है सभी के घर में जनरल रहती है, जिसे हम एलोवेरा कहते हैं। एलोवेरा जो है एकदम मैजिकल प्लांट है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एलोवेरा का जो प्लांट होता है उसके अंदर से आपको उसका गर निकाल लेना, पल्प उसका निकाल लीजिए, और फ्लेश वाला पल्प जो है डॉग के आई के ऊपर रखे आपको यहाँ पर कम से कम 5 मिनट यहाँ पर रखना है, और दिन में 4-5 बार आपको ये कीजिए। इसमें एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल एक्टिविटी होती है, तो इन्फ्लामेशन जो भी आंख में है रिड्यूस करने के लिए ये भी काफी ज्यादा यहाँ पर हेल्प करती है। चौथी जो चीज होती है कुकुम्बर। कुकुम्बर इसे हम अपने सिंपल भाषा में खीरा भी कहते हैं। तो ये खीरा जो होता है, खीरा आई के लिए बहुत अच्छा होता है और काफी ठंडक यहाँ पर पहुंचाता है डॉग्स को। तो आपको इसकी स्लाइस जो होती है, स्लाइस निकाल के डॉग्स के आईज के ऊपर 5-10 मिनट्स आपको वहां पर रखना है। तो यहाँ पर स्वेलिंग जो होती है, स्वेलिंग काफी कम हो जाती है, और डॉग के आई में जो इरिटेशन है वो भी काफी कम हो जाती है। अगर आपका डॉग स्लाइस अगर नहीं रख रहा है तो आप क्या कीजिए, उसको कद्दूकस कर लीजिए। ठीक है, कुकुम्बर को आपको यहाँ से इसका बारीक सा पल्प निकाल के आपके डॉग के आई के ऊपर रखिए, तो ये आपके डॉग को काफी ज्यादा यहाँ पर आइस को ठंडक पहुंचाएगा। उसके बाद पांचवा जो चीज है वो होती है हनी। ठीक है, हनी भी हम डायरेक्टली आइस में यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका तरीका क्या होता है, आपको क्या करवाना है, 1 टेबल स्पून आपको हनी लेनी है और 1 कप वाटर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको एकदम क्लीन वाला ड्रॉपर लेना है, उसके अंदर भर लेना है, और आंख में आप दिन में 3-4 बार डालिए। तो जनरल देखा हनी जो होता है इसकी प्रॉपर्टी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो अंदर वाला जो भी इन्फेक्शन है वो निकालने के लिए बहुत ही आपको हेल्प करेगा, और आई की जो भी हीलिंग होगी यहाँ पर बहुत फास्ट होगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपको हमने 5 चीजें बताइए जो आप घर में यूज कर सकते हैं आपके इन्फेक्शन में। लेकिन ध्यान में रखिए, अगर आपके डॉग के आई में बहुत ज्यादा इरिटेशन है, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है 2-3 करने के बाद भी नहीं हो रहा है, तो इमीडिएटली वेटनरी डॉक्टर को दिखा के आपके डॉग की आई के जो भी इन्फेक्शन है उसकी डायग्नोसिस कर लीजिए और सटीक तरह से ट्रीटमेंट लेने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर फ्रेंड्स, हम डॉग को फर्स्ट एड किस तरह से करवाना है, ठीक है, इसके हमने सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बनाई है,
आप वो जाके देख सकते हैं। या फिर आई में अगर कुछ इंजरी हो जाती है तो उसमें कौन से ड्रग यूज़ करवाने हैं, इन्फेक्शन में कौन से ड्रग यूज़ करवाने हैं, इसकी हमने सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बनाई है। इसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और आई बटन में भी फ्लैश हो रही है, आप जाके वहाँ पर जरूर देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें इनबॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताइए। आपके पेट की छोटी मोटी कुछ प्रॉब्लम है तो इनबॉक्स में कॉमेंट कीजिए, हम उसको आपको सोल्यूशन देने की पूरी कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर आपके पेट कुछ प्रॉब्लम है जो काफ़ी दिन से सॉल्व नहीं हो पा रही है या फिर आप किसी सेकेंडरी ओपिनियन के देख रहे हो तो नीचे दिए नंबर पर आप हमें यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट मैसेज कीजिए, यहाँ पर हमें वीडियो भेजिए, फोटो शेयर कीजिए, तो इसके बाद हम यहाँ पर इस तरह से आपको QR कोड भेजेंगे, वो स्कैन करके आपको वहाँ पर हमारी छोटी सी कंसल्टेशन फीस पेड करनी है। उसके बाद यहाँ से वीडियो कॉल करके हम देखेंगे आपके पेट की क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है, हमारे से फेस टू फेस इंटरेक्शन भी हो जाएगी और आपके पेट की जो भी प्रॉब्लम है हम घर बैठे यहाँ से सॉल्व कर देंगे। उसके बाद हम इस तरह से आपको डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन भेजेंगे जो यूज़ करने के बाद आपके पेट की रिकवरी बहुत फास्ट होगी। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।